थिस्सलुनीकियों अध्याय 4, जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चाहते भी हो वैसे ही भी और बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुँचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दबाव दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, और सारे मक्कू दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते भी हो। परंतु हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी न हो। यीशु का पुनरागमन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर भी जो यीशु में सो गया है उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम तो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उसमें ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम तो जीवित और बचे रहेंगे और उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलेंगे, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो।